उदारतापूर्वक हमारे पत्रकार साथियों के लिए बहुत काम किया है उन्होंने, हमने जो मांगा हमें मिला। सबसे बड़ी बात ये कि आज जो हमारे पत्रकार साथी जो ख़त्म हुए कोरोना काल में, उनको मुख्यमंत्री जी ने 10-10 लाख रुपए दिए, मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसा 28 राज्यों में पहला, एक छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिन्होंने हमारे बोलने पर, मुख्यमंत्री ने हमारी बात मानी और बात मानी और उनके पत्रकार परिजनों को उन्होंने 10-10 लाख और 5-5 लाख की उन्होंने व्यवस्था करके उनके उनके परिवार को एक नया जीवन दिया। और उनके साथ साथ कोरोना काल में ऐसे पत्रकार जो साथी जो अपना जो मकान का किराया नहीं पटा पा रहे थे, उनको उन्होंने सोन डोंगरी में भी उन्होंने मकान दिया, जहां उनका छोटे कर्मचारी बड़े कर्मचारी वहां रह रहे, करीब उनको 550 लोगों को भी वहां पर मकान वितरित किया गया। ऐसे बहुत सारे उन्होंने, किसी राज्य में ऐसा कार्य जो पत्रकारों के लिए विकास नहीं हुआ, उन्होंने हमारे पत्रकारों को, छत्तीसगढ़ के पत्रकारों का उन्होंने विकास किया। पत्रकार कल्याण कोष का मामला हो चाहे किसी भी मामला हो, उन्होंने बहुत काम किया है उन्होंने पत्रकारों के लिए। और हमारा विकास के साथ साथ में पत्रकारों का भी सबसे बड़ा विकास काम किया छत्तीसगढ़ में, पूरे राज्य में एक ऐसा राज्य है जो हम पत्रकारों की श्रेणी में जो पहले नहीं आया करते थे, वो आज पत्रकार होकर के आज ये बोल सकता है। हमारे लिए ई लाइब्रेरी भी उन्होंने 10 करोड़ की लागत से भी उन्होंने जो कराया, वो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात है। वो आने वाले समय में वो भी जल्दी उसका उद्घाटन हो जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से यही आशा करता हूँ कि आपने जो बड़े उदारतापूर्वक हमको जो मकान दिया है, जो इस मकान के अंदर में जो बीच की जो राशि आ रही है, पहले भी आपने कहा था कि हम उसको माफ़ करेंगे, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो बीच की जो राशि आएगी, धर्मेश जी को मालूम है, पीयूष जी ने भी आपको बताया था, तो कि मैं चाहता हूँ कि उस राशि को भी आप माफ़ कर दें, तो बड़ी कृपा होगी आपकी। बहुत सारे उसमें है जो अंतर की जो राशि है, उसको अगर उसको भी आप माफ़ कर दें तो बड़ी कृपा होगी। और आपके माध्यम से हम लोग ने ज़मीन भी देखा है, ज़मीन का भी काम लगभग पूर्ण हो चुका है। वो कलेक्टर ने निमोरा में हमारे को ज़मीन वहाँ पर जो देखने की अनुमति दी, हमने उसको भी देखा है आपके माध्यम से, अब वो भी काम जल्द पूर्ण होने वाला है। बस आपसे ये चाहता हूँ कि जो ये मकान आपने जो हम लोग को छत छाया जो छुपने के लिए जो दिया है, बस उसमें जो अंतर्मन की जो राशि आ रही उसको माफ़ करें, बस मैं आपसे यही चाहता हूँ। अब मैं छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अपने आशीर्वचन में दो शब्द। बहुत ही वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, आदरणीय विधायक साथी कुलदीप जुनेजा जी, आदरणीय रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष दुप्पड़ जी, विशेष सचिव महादेव कावरी जी, उपाध्यक्ष द्वय भाई सूर्यमणि मिश्रा जी, शिव सिंह ठाकुर जी, धर्मेश साहू जी, सिमी नाहिद जी, भाई राजेंद्र पप्पू बंजारे जी, ममता राय जी, हीरेन देवांगन जी, मुकेश साहू जी, चंद्रवती साहू जी और सभी हमारे अधिकारीगण, साथ ही पत्रकार साथी भाई दामो आम्बेडारे जी, सगुप्ता सरीन जी, संजय शुक्ला जी, मनोज नायक जी, भोला राम जी और उपस्थित साथियों, कौशल्या माता बिहार में आज पत्रकारों को जो आवास के निर्माण के हम लोगों ने स्वीकृति दी, उसके आज भूमि पूजन किया गया। मैंने पहले ही घोषणा किया था कि कौशल्या माता बिहार में जो पत्रकार मित्र आवास खरीदेंगे, उन्हें शासन की ओर से 15% की छूट दी जाएगी। शासन के इस निर्णय के अनुमोदन कैबिनेट द्वारा भी किया जा चुका है। प्रथम स्टेज के प्राकलन के अनुसार 309 पत्रकारों को दी जाने वाली छूट की राशि 6,37,20,450 रुपया रायपुर विकास प्राधिकरण को स्वीकृति की गई है। जो पत्रकार मित्र इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, मैं उन सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप लोगों को यह खुशखबरी मिल ही चुकी होगी कि श्री ललित सूर्जन संचार प्रतिनिधि आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस योजना के अंतर्गत पत्रकारों को आवास ऋण पर अनुदान दिया जाएगा। 30 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर 5 वर्षों तक हर महीने 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। यह योजना 1 अप्रैल 2023 के बाद खरीदे गए मकान पर लागू होगी। दोस्तों, हमारी सरकार ने हमारी सरकार अब 5 वर्ष
पूरे करने वाले हैं। इन 5 वर्षों के दौरान हमारी योजनाओं को मीडिया का भरपूर समर्थन मिला। आप सभी के सहयोग से हमारी सरकार ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की। मैं इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इन 5 वर्षों के दौरान शासन और मीडिया ने बहुत अच्छे तालमेल के साथ काम किया। हमने शासन से मीडिया की अपेक्षाओं को भी पूरा किया है। मीडिया से किए गए वादा को भी हम लोगों ने निभाया। सरकार ने छत्तीसगढ़ की गौरवशाली पत्रकारिता और उनके उच्च आदर्शों को संरक्षण देते रहने की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। इसी के अनुरूप राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून का निर्माण कर विधानसभा से पारित कराया। इस तरह के कानून निर्माण करने वाले सबसे पहला राज्य छत्तीसगढ़। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा अधिनियम 2023 के तहत छत्तीसगढ़ मीडिया स्वतंत्रता संरक्षण एवं संवर्धन समिति का भी गठन कर दिया गया है। शासन ने कोविड में प्राण गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देकर उनके दुखों में अपनी सहभागिता व्यक्त की है। पत्रकारों और उनके परिजनों को बीमारियों के उपचार के लिए पूर्व में 50,000 रुपये तक की सहायता दी जाती थी। हमारी सरकार ने नियमों में संशोधन करते हुए अब इसे 2 लाख तक कर दिया गया है। असामयिक मृत्यु के प्रकरण में 5 लाख रुपये तक के आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया। राज्य के वरिष्ठ मीडिया कर्मियों के लिए वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में पूर्व में सम्मान निधि के रूप में 5,000 रुपये प्रति माह दिए जाने का प्रावधान था। हमारी सरकार ने इसे बढ़ाकर 10,000 रुपया प्रति माह कर दिया है। योजना में संशोधन करते हुए अर्हता के आयु 62 वर्ष से घटाकर अब 60 वर्ष कर दी गई है। इस योजना के लिए पात्र मीडिया कर्मी आजीवन लाभ उठा सकेंगे। पत्रकारों को अधिमान्यता प्रदान करने के नियमों में भी संशोधन करते हुए अब विकास खंड स्तरीय अधिमान्यता का भी प्रावधान किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर काम करने वाले पत्रकारों को भी सुविधा का लाभ मिलने लगा। राज्य में नए अधिमान्यता नियमों के अंतर्गत मीडिया संस्थानों में अधिमान्यता कोटा भी दुगुना कर दिया गया है। अब राज्य स्तर से लेकर विकास खंड स्तर तक अधिमान्यता दी जा रही है। पत्रकारों के कल्याण के लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों के क्रम में आज माता कौशल्या विहार में पत्रकारों के आवास निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। इस योजना के लाभ उठा रहे सभी पत्रकारों मित्रों को पुनः बधाई। आप लोगों के सहयोग के लिए पुनः धन्यवाद और RDA के अध्यक्ष और पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई। पिछली सरकार ने बहुत बड़ा कर्ज छोड़ा था, आप सब के सतत प्रयास और लगन से अब वो कर्ज शून्य की स्थिति में आने वाली है। इसके लिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सभी सदस्यों और विभागीय अधिकारी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। स्वागत बिहार भी उसी प्रकार से फंसा हुआ केस था और उसमें बहुत लोग लंबी लड़ाई लड़े लेकिन उसे कोई रिलीफ पिछली सरकार में नहीं मिला था। अभी पिछले दिनों विधायक जी और सभी साथियों के सहयोग से मंत्रिमंडल में ये निर्णय लिया गया और उसमें 2900 से अधिक जो हितग्राही हैं अब उनका जो हित है वो सुरक्षित हो गया है। इसके लिए मैं सबको बधाई और शुभकामना देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई खूब बधाई शुभकामना चालीजिए।
हाँ मिठाई दे दो ला, तुरंत मैं भी देख रहा था आपकी मनपसंद मिठाई। नहीं खोलना नहीं।